गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 जेंडर ऑफ नाउंस के चैप्टर को आपको रीड करवाएंगे। ये पेज नंबर 21 पे है। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लेंगे और जिन बच्चों पे बुक नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसमें समझेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 जेंडर ऑफ नाउंस, यानी नाउंस होती हैं हमारी संज्ञा, यानी कि किसी चीज़ का नाम, जगह का नाम, किसी इमोशन का नेम वगैरह, उनका जेंडर यानी कि लिंग। यहाँ देखिए, किंग, डॉग, बार्बर, बिच, डॉक्टर, रोप, क्वीन, अंकल, नीस, इरेजर, सिंगर, स्नेक, वुड, लॉयन, बुक, ऑक्स, पेंसिल, वाइफ, यहाँ ये कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं। ये सारे हमारे नाउंस के वर्ड्स हैं। ऑल ऑफ द अबव वर्ड्स आर नाउंस, यानी ये सभी जो शब्द हैं ये संज्ञा है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मेल नाउंस, फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल नाउंस, कॉमन जेंडर आइदर मेल और फीमेल नाउंस, एंड न्यूट्रल जेंडर प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि ये जो सभी वर्ड्स हैं इन सबको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, चार जेंडर्स में। यानी कि मस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुरुष पुल्लिंग कहते हैं, जो कि आदमियों के लिए होता है, आदमियों के लिए, लड़कों के लिए। फेमिनिन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं हिंदी में, जो कि वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए यूज होता है। कॉमन जेंडर, जो कि हमारा, जो आदमियों के लिए और औरतों के लिए, दोनों के लिए यूज होता है, जिसमें यानी कि गर्ल्स और बॉयज के लिए भी हम उसे यूज कर सकते हैं, या मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, वो होते हैं कॉमन जेंडर। ऐसे ही न्यूट्रल जेंडर, जिसमें कि प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। मस्कुलिन जेंडर नाउन, मस्कुलिन जेंडर नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स। यानी जो मस्कुलिन जेंडर नाउन होते हैं, यानी जो पुल्लिंग होते हैं, वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि आदमियों के लिए, लड़कों के लिए, या फिर कुछ ऐसे मेल जानवरों के लिए, यानी मेल एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं। फेमिनिन जेंडर नाउन यानी स्त्रीलिंग, वो शब्द होते हैं जो कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, या फिर फीमेल एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं। कॉमन जेंडर नाउन, कॉमन जेंडर नाउन वो नाउन होते हैं, वो संज्ञा होती है, या वो वर्ड्स होते हैं जो कि बोथ मेल्स एंड फीमेल, दोनों आदमी और औरत दोनों के लिए यूज किए जाते हों। न्यूट्रल जेंडर नाउन होते हैं आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट आर नॉट अलाउड, कुछ ऐसी चीजों के लिए जो कि जीवित नहीं है, अलाइव नहीं है। तो इसकी अब हम एक एक्सरसाइज का कुछ पार्ट करेंगे, जो कि ए है, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ नाउन्स गिवन अबव। जो आगे हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे उनमें से छाट के हमें इन सब को, इन सब में फिल करना है। यानी कि इनमें से हमें मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर को अलग अलग करके लिखना है। पहले हम मेल जेंडर लिख लेते हैं, जो कि आदमियों के लिए है, किंग, डॉग और लॉयन और अंकल। यहाँ पे हम मेल जेंडर के लिए यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे किंग, फिर था अंकल, डॉग, लॉयन और क्या था, आगे देख लेंगे एक बार, बार्बर, और लिखेंगे बार्बर। यहाँ बार्बर नहीं आएगा, यहाँ आएगा ऑक्स, ऑक्स यानी बैल। अब हम यहाँ पे फेमिनिन जेंडर को चार्ट के लिखेंगे, फेमिनिन जेंडर यानी कि जो नाम गर्ल्स के लिए या फिर किसी वुमेन के लिए यूज किए जाते हैं। क्वीन, बिच,
वाइफ यानी क्वीन, बिच वाइफ, और नीस ये लिखेंगे हम यहाँ पे, क्वीन बिच वाइफ और नीस यानी भतीजी। अब देखेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में है सिंगर। सिंगर जो होते हैं उसमें सिंगर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए सिंगर ही यूज होता है। ऐसे ही डॉक्टर, डॉक्टर चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए यूज होता है। बार्बर भी ऐसे ही सेम यहाँ पे आएगा, सिंगर बार्बर डॉक्टर। न्यूट्रल जेंडर में हुए हमारा पेंसिल, इरेजर, बुक, रोप। कॉमन जेंडर में एक स्नेक भी आएगा, क्योंकि सांप चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो उसके आगे हम सांप ही लिखते हैं, स्नेक ही होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन नंबर ए अपनी नोटबुक में करना है। डू क्लास वर्क इन नोटबुक 25/7/20। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।